जार से प्रेम, मैं सुकांत राय और आप लोग देख रहे हैं सुकांत राय गुड लाइफ यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड, इस चैनल के द्वारा मैं आप सभी तक आरसीएम के छोटे से छोटे बड़े से बड़े अपडेट, आरसीएम कंपनी के हर एक प्रकार के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और आरसीएम बिजनेस करने के लिए आपको एक्टिव और मोटिवेट के लिए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, यानी आरसीएम संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड, आप लोग जिस तरह से हमें प्यार और सपोर्ट दे रहा है, उसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और हमारे चैनल को आगे पहुंचाइए। और फ्रेंड, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करके आज का जो वीडियो, उस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को स्किप ना करके इसके एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइनिंग लेने के बाद मेरे जो तजुर्बा है, मैं वो आप लोगों को शेयर करूंगा। जो आरसीएम बिजनेस ज्वाइनिंग करने के बाद लोग क्या कहेंगे। देखिए फ्रेंड, आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग लेने के बाद सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही नहीं, आप कोई से भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ज्वाइनिंग लेंगे तो उसमें आप लोगों को साथ लोगों ने काफ़ी नेगेटिविटी करेंगे, ऐसा कि आपकी जो खास लोग हैं वो भी आपको नेगेटिव में बात करेंगे, आपसे मना करेंगे। जब मैं इस आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग लिए थे, ज्वाइनिंग लेने के बाद जब मैं अपनी खास रिश्तेदार से मिलने जाते हैं तो उन्होंने ना कहते हैं। ऐसे एक दो बार जब उनके पास गए हैं, उन्होंने ना करा, ऐसे कई एक बार मना करने के बाद जब मैं वहाँ जाना चाहते थे, जब उन्हें इस खबर मिलते थे तो उन्होंने डायरेक्ट यही बात कहते थे, अगर आप आरसीएम को लेके आना चाहते हैं तो मत आना, और वैसे घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आ जाना। इसी तरह से फ्रेंड, मेरा जो अपनी खास दोस्त है उनके पास आरसीएम बिजनेस को लेकर जाते हैं, वहाँ से भी ऐसे रिस्पांस मिलते हैं जो अगर आप आरसीएम बिजनेस को लेकर आना चाहते हैं तो मत आना, और किसी काम से आना चाहते हैं तो आ जाना। तो ऐसे चलते चलते मुझे काफ़ी ना की सामना करना पड़ा। और फ्रेंड, जब सभी ने अपनी नज़दीकी लोग जब ना बोला तो मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाते हैं, और नेगेटिविटी आने के बाद मैंने ये सोचने लगा जो ये बिजनेस मेरे लिए है ही नहीं। लेकिन फ्रेंड, मैंने रुका नहीं है, ना रुक के ऐसे चलते गए और ना शब्द इसे सुनते सुनते एक आदत सी पड़ गए। अब ना शब्द सुनने से कोई बुरा नहीं लगते हैं और ना ही तो मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी आते हैं। तो फ्रेंड, ऐसी इसी तरह से जब आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइनिंग करेंगे तो आपके साथ भी यही घटना घटने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड, आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। चलते चलते आपको ना सुनने की आदत पड़ जाएंगे, और जिस चीज को आपको ना सुनने की आदत पड़ जाएगा उस दिन आप इस बिजनेस में अच्छा काम कर पाएंगे और बिजनेस को आगे ले जाएंगे और आपकी बिजनेस भी। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आरसीएम बिजनेस करने के बाद लोग आपसे यही कहेंगे, ना कहेंगे, ना से आगे निकाल के आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है, लगे रहना है, लगन से काम करना है, जुनून के साथ काम करना है और आपको लक्ष्य पे पहुंचना है। अगर आप कोई बड़ा लक्ष्य रखेंगे तभी जो है आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको जुनून रखना पड़ेगा, आपको एक्टिवेट रखना पड़ेगा, आपके अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए, हर टाइम एक्टिविटी रहना है, तो आप बिजनेस में सक्सेस होंगे। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फ्रेंड, अगर हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो पहली बार देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले नोटिफिकेशन बटन ऑल को प्रेस करें, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो याद रखिए, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय आरसीएम, जय भारत।